हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आपको याद होगा कि कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक लिस्ट रिलीज़ हुई थी जिसमें वार्नर ब्रदर्स की 2023 और 2024 की रिलीज़ डेट्स मेंशन थी मूवीज़ के साथ। और गाइस, उसी लिस्ट में एक और बॉक्स मौजूद था जिसमें जो वर्किंग लाइव एक्शन मूवीज़ हैं उनके नाम का भी जिक्र था, यानी वो प्रोजेक्ट्स जिन पे वार्नर ब्रदर्स अभी वर्क कर रहा है और मे बी 2024 के बाद जिनको रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन 2 भी शामिल थी और उसमें ब्लैक हॉक का प्रोजेक्ट भी शामिल था। अच्छा गाइस, अगर आप डीसी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पहले से अगर आप डीसी यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको याद होगा वंडर वुमेन का फर्स्ट पार्ट जब बॉक्स ऑफिस सक्सेस हुआ था तो वार्नर ब्रदर्स ने ये अनाउंस किया था कि वो ब्लैक हॉक का एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की हाइप इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि स्टीवन स्पिलबर्ग को अनाउंस किया गया था कि स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो हाइप उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस प्रोजेक्ट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्टिस लीग बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी और उसके बाद आप जानते हैं पैंडेमिक भी आ गया था, तो एक तरीके से वार्नर ब्रदर्स रीशफलिंग से गुजर रहा था, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही थी। लेकिन इस साल मर्जर से जस्ट पहले इसके जो राइटर हैं ब्लैक हॉक प्रोजेक्ट के, उन्होंने अपडेट दिया था और कहा था कि जो स्क्रिप्ट है मूवी की वो रेडी है। और अब जो ये जो लिस्ट रिलीज हुई थी इसमें भी ब्लैक हॉक का प्रोजेक्ट शामिल है, यानी कि ब्लैक हॉक का प्रोजेक्ट आई थिंक अभी भी बनेगा और ये वर्किंग में है। अब ब्लैक हॉक क्योंकि डीसी का कैरेक्टर है तो हो सकता है गाइस के डीसी यूनिवर्स का हिस्सा रहे, लेकिन जो इसके राइटर हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से लिखा जा रहा है कि एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की तरह वर्क करे। लेकिन फिर भी गाइस, होने को कुछ भी हो सकता है कि अगर नया डीसी यूनिवर्स स्टार्ट किया जा रहा है तो किसी तरीके से ब्लैक हॉक को भी एक तरीके से पार्ट बनाया जा सकता है न्यू डीसी यूनिवर्स का। और जेम्स गन ये भी बोल चुके हैं कि नया डीसी यूनिवर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ एल्स वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी हमको मिलेंगे जो मेन कंटिन्यूटी का हिस्सा नहीं होंगे। हम जानते हैं वो हैं जोकर यूनिवर्स और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन यूनिवर्स, तो हो सकता है कि ब्लैक हॉक का जो प्रोजेक्ट है ये भी केवल एक एल्स वर्ल्ड का ही प्रोजेक्ट बन के रह जाए। अच्छा, ब्लैक हॉक के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये 7 पायलट्स की एक टीम है और इनकी जो स्टोरी लिखी गई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और गाइस, 1940s के टाइम ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कॉमिक बुक भी इनकी थी, यानी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे ये 1940s और 1950s के टाइम। और आप जानते हैं कि जो टॉम क्रूज की मूवी थी टॉप गन मैवरिक, वो भी एक तरीके से एयरफोर्स पे बेस्ड मूवी थी और पब्लिक को पसंद आ गई थी, पब्लिक के साथ क्लिक कर गई थी। तो हो सकता है अगर ब्लैक हॉक का भी एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है, भले ही वो एक एल्सवर्ल्ड का प्रोजेक्ट हो, अगर ऑडियंस के साथ क्लिक कर जाता है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाए। अब इसके जो राइटर थे उन्होंने एक बात बोली थी कि जो प्रोडक्शन बजट इस मूवी का हो सकता है वो अराउंड $200 मिलियन हो सकता है। लेकिन गाइस, अगर पब्लिक को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई मूवी पसंद आ जाती है, तो डेफिनेटली वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन कर लेती है। तो देखते हैं कि ब्लैक हॉक का प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि पहली स्लेट जो जेम्स गन अनाउंस करने वाले हैं, हो सकता है कि उसमें एक आध वो एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दें, यानी कुछ प्रोजेक्ट वो डीसी यूनिवर्स के भी अनाउंस करेंगे और हो सकता है कि कोई एल्सवर्ल्ड का प्रोजेक्ट भी वो अनाउंस कर दें और उनमें से मे बी ब्लैक हॉक एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आई थी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक हॉक के ओरिजिन पे वीडियो बना दूं तो मैं बाद में कभी बना दूंगा, लेकिन अगर इस पे लाइव एक्शन मूवी बन रही है और टॉप गन मैवरिक जैसी वो रह रही है तो गाइज डेफिनेटली पब्लिक को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो गाइज, क्या आप चाहते हैं ब्लैक हॉक का एक लाइव एक्शन मूवी बने और क्या वो डीसी यूनिवर्स का हिस्सा रहे या एल्स वर्ल्ड स्टोरी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।